Hey guys, welcome to Gate Smashers. The choice of data structure depend करता है हमारी problem क्या है. Strength और weaknesses हर data structure की होती है. बस हमें ये देखना है हमारी problem क्या है, उसके requirement क्या है. Suppose करो linked list है, हम उसको कहाँ use करेंगे, जहाँ पे number of insertion और deletion बहुत ज़्यादा use होते हैं और elements का जो size है हमें नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है वो, वहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे. तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एरे और लिंक लिस्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं या फिर उनमें डिफरेंस क्या है. तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे चैनल के, आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो वॉच करके चले जाते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके अपनी सजेशन जरूर दें. लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे. जो पहला डिफरेंस है वो है एलोकेशन का, मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन दो टाइप की होगी, पहली है स्टैटिक एलोकेशन, सेकेंड है डायनेमिक एलोकेशन. स्टैटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एरे है वो स्टैटिक एलोकेशन का यूज़ करता है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम पहले से ही डिसाइड कर देंगे कि हमें इतने एलिमेंट की ज़रूरत है, और हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि इसके बाद और एलिमेंट नहीं आने वाले. जैसे कि एरे का साइज़ अगर हमने 5 फिक्स्ड कर दिया तो ये अपना साइज़ ले लेगा 5 का, मेमोरी ले लेगा कॉन्टिग्यूस मेमोरी 1, 2, 3, 4 एंड 5. सिक्स्थ एलिमेंट आता है तो ये इसको इंसर्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर हमें पहले से ही नहीं पता कि कितने एलिमेंट यूज़ होने वाले हैं, तो हम उस केस में लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट डायनामिक एलोकेशन का यूज़ करती है. मतलब कि अगर हमें एक एलिमेंट चाहिए तो हम एक नोड का यूज़ करेंगे लिंक लिस्ट में, अगर हमें दो एलिमेंट चाहिए तो हम दूसरा नोड ले लेंगे रन टाइम पे, राइट. अब देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट और एरे क्या होता है, मैंने लिंक दे दिया है वीडियोज़ का, आप उसमें वॉच कर सकते हैं. अब देखो लिंक लिस्ट में क्या है, मेमोरी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है. जैसे कि अगर सपोज करो हमें पता ही नहीं है, हमने गलती से एरे डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लिया और पहले से इसको साइज़ दे दिया 100 एलिमेंट्स का, ठीक है. अब इस केस में हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. हमने 100 साइज़ तो ले लिया, लेकिन डाटा एलिमेंट यहाँ पे मैंने बस 2 का ही यूज़ किया रन टाइम पे, बाकी का स्पेस क्या होगा, सारा का सारा वेस्ट जाएगा एरे के अंदर. यहाँ पे लिंक लिस्ट देखो, अगर मुझे 2 ही एलिमेंट की ज़रूरत थी तो मैंने 2 ही नोड लिए, इसके अलावा मुझे ज़रूरत ही नहीं थी तो मैंने लिए ही नहीं. यहाँ पे देखो सेकंड डिफरेंस आता है मेमोरी एफिशिएंसी का. यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंट कौन है, लिंक लिस्ट है. बट अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करें, वहाँ एरे की मेमोरी कम यूज़ होती है. देखो स्मॉल मेमोरी यूज़ कर रहा है ये, अगर हमें पहले से पता है कि इसका साइज़ फिक्स है तो इसमें 5 एलिमेंट के लिए ये देखो 5 स्पेस यूज़ किए, ठीक है, 5 बॉक्सेस लिए और उसके अंदर एक सिंगल ही बॉक्स यूज़ हो रहा है. आपको पता है कि नोड में हम 2 बॉक्सेस क्या यूज़ करते हैं, पहला डाटा के लिए और दूसरा एड्रेस के लिए. अब ये पॉइंटर की जो स्टोरेज है अलग से लिंक लिस्ट के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है. तो इस ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ देख के ही हमें डाटा स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है. अब इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो है सर्च टाइम का. यहाँ पे मैंने पहले से ही एक एरे बना के रखा हुआ है. एरे के अंदर अगर सपोज करो मुझे 4th एलिमेंट को सर्च करना है तो कैसे सर्चिंग होएगी, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस है, ठीक है. एरे के अंदर जो एक्सेस टाइम है या फिर सर्च टाइम है वो बहुत कम होता है, कॉन्स्टेंट टाइम में ही हम एलिमेंट को सर्च कर लेते हैं. उसका रीज़न यही है क्योंकि इसके अंदर रैंडम एक्सेस होता है. कैसे होता है हमें पता ही है कि अगर हमें 4th एलिमेंट को सर्च करना है तो इसका जो बेस एड्रेस है यानी कि 1st एलिमेंट का जो एड्रेस है प्लस जो यहाँ पे इसका ऑफसेट होगा, इंडेक्स होगा, उसकी वैल्यू, और आपको पता है कि जितने बाइट्स का इंटीजर होगा ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ पे मैंने 4 बाइट का इंटीजर लिया है तो 3 × 4 = 12 इसके आगे प्लस कर देंगे और डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है. इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें एक सिक्वेंस में ही जाना पड़ेगा. लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट में अगर हमें ये वाला एलिमेंट सर्च करना है तो हमें पता है कि पॉइंटर हमें स्टार्टिंग से दे रखा होता है, हेड पॉइंटर 1st एलिमेंट को पॉइंट करता है. तो यहाँ पे पहले इस एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा जो हमें सर्च करना है, फिर ये नेक्स्ट एड्रेस पे जंप करेगा, नेक्स्ट नोड पे, इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा
वर्स्ट केस में क्या होगा, ये एन कंपैरिजन करेगा, तो इसका जो सर्चिंग टाइम है वो होगा ऑर्डर ऑफ एन। तो सर्च टाइम में भी डिफरेंस आ गया, एरे का ऑर्डर ऑफ वन और लिंक लिस्ट का क्या होगा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो है हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन। एरे की इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही टफ है इसके अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन करना। मैं आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ एरे का। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अगर हमने यहाँ पे इस प्लेस के अंदर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, मान लो मुझे एलिमेंट करना है 5, तो हमें जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं इनकी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी, 1 शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 4 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद जो ये 3 है ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, और जो अब हमारा 5 एलिमेंट है हम इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना, देखो यहाँ पे कितनी कॉस्ट लगी इस सारे के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंसर्शन करेंगे फिर सबको इंसर्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे डिलीशन होती है। अगर हमने एरे के अंदर डिलीशन करनी है तो वो कैसे करेंगे, सपोज करो मैंने 5, 2, 6, 9 ले लिया, अगर मुझे यहाँ पे 2 को डिलीट करना है तो देखो अगर हमने 2 को डिलीट कर दिया, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 को कॉपी करेंगे, जो उसके बाद वाला एलिमेंट है वो इसके यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो ये सारे के सारे चेंजेस डिलीशन में भी करने पड़ेंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट के अंदर हमारे सपोज करो हमने इंसर्ट करनी है, अब 3 तरीके से इंसर्शन कर सकते हैं, ये हम अलग अलग वीडियो में 1 by 1 डिस्कस करेंगे इंसर्शन और डिलीशन को लिंक लिस्ट के अंदर। बट आप थोड़ा सा हिंट में आपको दे देती हूँ, यहाँ पे हमारा हेड पॉइंट करता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, अगर मुझे कोई भी नोड इंसर्ट करना है बिगनिंग में भी करना है तो यहाँ पे क्या करना है, इसके जो नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा और हेड पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। थोड़ा सा पॉइंटर को चेंजेस करने हैं लिंक लिस्ट के अंदर, चाहे वो इंसर्शन है चाहे वो डिलीशन है, तो ये भी एक डिफरेंस आता है बहुत बड़ा एरे और लिंक लिस्ट के अंदर। हमने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस को डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट्स बना के दे दिए हैं। एरे के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेंगी, फास्ट सर्च टाइम रहेगा क्योंकि रैंडम एक्सेस है, लेस मेमोरी नीडेड पर एलिमेंट। ठीक है, जो लिंक लिस्ट की स्ट्रेंथ होगी वो आपको अभी बताया मैंने, फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन टाइम, डायनामिक साइज, एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन या फिर यूटिलाइजेशन, और इनकी वीकनेसेस भी दे रखी है यहाँ पे, स्लो इंसर्शन एंड डिलीशन टाइम, फिक्स्ड साइज होता है, इनएफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन यूटिलाइजेशन, एंड लिंक लिस्ट के अंदर स्लो सर्च टाइम होगा या फिर मोर मेमोरी नीडेड पर नोड क्योंकि पॉइंटर्स का यूज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।